वेलकम बैक टू माय चैनल इमर खुर्शीद जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत सा क्रोशे पैटर्न। ये लेस पैटर्न है, तो ये किस तरह से बनाते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 चेन जो हैं वो रेडी करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए, आपने इस तरह से एक लूप बनानी है और इसमें से इस तरह ये धागा ऊपर लेके आना है और फिर ये जो हमारे पास ऊपर लूप आई है इसमें से इस तरह हम ये चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम ये नॉट जो है इसको टाइट कर लेंगे। अब हमारे पास एक चेन जो है वो बन चुकी है, तो हमने 8 बनानी है। तो यहाँ पे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चेन्स जो हैं बनाने के बाद स्टार्ट में जहाँ से हमने ये शुरू किया था इसको हम यूं स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये हमारे पास एक रिंग सा बन गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 चेन और बनाने हैं, 1, 2, 3 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमारे पास रिंग है इसमें हमने 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेने हैं। तो देखिएगा, इस तरह से हमने ये डबल क्रोशे स्टिच बना लेना है, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट में हमने चेन ली है और फिर उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशे स्टिच जो हैं वो बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने दोबारा से 3 चेन जो हैं वो बना लेने हैं, 1, 2, 3 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यूं जॉइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर दोबारा हम 3 चेन बना लेंगे, ठीक है। अब 3 चेन बनाने के बाद इसको हम यूं पलट देंगे और ये जो हमने 3 चेन के साथ यहाँ स्लिप स्टिच लिया था, अब इस स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेने हैं। इस तरह से 2, 3, 4 and 5, ठीक है। 5 स्टिचेस लेने के बाद दोबारा से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, ठीक हो गया इस तरह से। अब फिर हमने 3 चेन बना लेने हैं और इसको यूं टर्न कर लेना है, ठीक है। टर्न करने के बाद यहाँ ये जो होल है इसमें हमने फिर 5 स्टिचेस जो हैं बना लेने हैं। बहुत इजी ये पैटर्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसके हेयर बैंड्स वगैरह जो है, हेड बैंड वो भी बना सकते हैं, इसको डिफरेंट चीज़ों में इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं।
3, 4 एंड 5। जी 5 स्टिचेस हमने ले लिए और फिर 3 चेन लिए और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर दिया और फिर दोबारा 3 चेन लिए। इसको यूं टर्न कर लेना है और यहाँ पे इस स्पेस में हमने दोबारा से 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लेने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इस तरह से 5 स्टिचेस हमने बना लिए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और हमारा ये लेस पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ फिर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर लेना है और फिर 3 चेन टर्न एंड कंटिन्यू, यहाँ पे 5 स्टिचेस बना लेने हैं। इस तरह से 4 एंड 5, तरह से ये पैटर्न जो है वो हमारे पास यूं कंप्लीट होता जाएगा। अभी मैं इसको मज़ीद और कंटिन्यू करते हुए आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बनेगा। जी यहाँ पे देखिएगा कि हमने ये पैटर्न जो है इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न जो है ये आप फ्रॉक के बिल्कुल किनारे पे इस तरह से लेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स के एंड पे भी ये यूज़ किया जा सकता है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न जो है वो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।